हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ओ ई एस एफ फैमिली रिएक्शंस। मैं हूं वकास, मैं हूं मोहम्मद सदीक। तो भाई लेकर आए हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो का टाइटल है जी गदर टू मूवी रिव्यू, सो लेट्स बिगिन द वीडियो और देखते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है। तो बेसिकली गदर 2 हो चुकी है थिएटर में रिलीज। मैंने देखा सुबह सुबह 5:30 का शो, और भाई साहब गदर का क्रेज इतना है कि सुबह 5:30 के शो के लिए भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। पर क्या गदर 1 के सक्सेस को गदर 2 आगे लेकर जाएगी, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ट्रेलर से जो भी अंदाजा हम लोगों ने लगाए थे कि बेटा पाकिस्तान में है और बाप जाएगा और वहां जाकर गदर मचा कर आएगा, तो हाँ कुछ कुछ ऐसा है पर पूरी तरह नहीं। मूवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, एंड पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करूं तो जहां जहां सनी पाजी है बस वही सीन या उन्हीं के डायलॉग्स ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। एक्चुअली ऐसा बार बार फील होता है कि ये मूवी बनाई ही इसलिए गई है कि सनी पाजी का जो तारा सिंह का कैरेक्टर था वो नॉस्टैल्जिया रूप में आपके सामने फिर से रखा जा सके। एंड आप लोग भी मूवी को तभी एंजॉय करोगे जब जब तारा सिंह या तो कोई डायलॉग बोलेगा या एक्शन करेगा। एंड माइंड इट, 1.5 घंटे के फर्स्ट हाफ में सनी पाजी 30-35 मिनट के लिए ही है, बाकी 40-50 मिनट में बहुत कुछ हो रहा है। तारा सिंह के बेटे को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, बट उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी पता नहीं क्यों कन्विंसिंग नहीं लगती है। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हाफ ओनली। के जीते का रोल जिन्होंने किया है उत्कर्ष शर्मा, उनकी एक्टिंग फर्स्ट हाफ में ऐसी लगेगी मानो वो मजाक मजाक में एक्टिंग कर रहे हो, बट सडनली सेकेंड हाफ में जब वो थोड़ा सीरियस मोड पे चले जाते हैं तब लगता है कि हाँ बंदा एक्टिंग कर सकता है। इसमें विलन बने हुए हैं मिस्टर मनीष वाधवा, उनका कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है बट सम टाइम थोड़ा ओवरपावर्ड ओवर ड्रामेटिक लगने लगता है। बट एनी हाउ, बात जब मास मसाला एंटरटेनर फिल्म की हो तो ऐसे ओवरपावर्ड एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स का होना कोई नई बात नहीं होती। इवन एक्शन सिक्वेंसेस भी ऐसे डाले जाते हैं जो फिजिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होते, लाइक हैंडपम्प उखाड़ देना, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता जरूर है, हुआ था, लोगों ने एंजॉय किया था, क्योंकि मास मूवीज है तो ये सब चलता भी है। बाकी मूवी की स्टार्टिंग में आपको गदर 1 का रिकैप दिया जाता है, एंड पूरे फिल्म के बीच बीच में भी गदर 1 के ग्लिम्स भी डाले जाते हैं जिससे आप थ्रू आउट नोस्टाल्जिया में रहो और मूवी के साथ कनेक्टेड भी। बात अगर म्यूजिक की करें तो गदर 1 का म्यूजिक जैसे था वैसा इसका भी है। एक्चुअली 2-3 गाने तो पुराने ही हैं जिसे फ्रेश तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के लास्ट में धर्म और इंसानियत वाला मैसेज देने की भी कोशिश की जाती है जिससे लोगों में इस फिल्म के टॉपिक को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ओवरऑल ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी मैं बोल सकता हूँ, हालांकि इसे भी US सर्टिफिकेट मिला है। पैरेंटल गाइडेंस में ये मूवी देखी जा सकती है। पूरे परिवार के साथ बैठकर देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी तरफ से गदर 2 को 5 में से 3 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पे खत्म, और गदर 2 जो है वो रिलीज हो गई है। सुना है 200 करोड़ तक का बिजनेस ये कर चुकी है, या शायद इससे भी ज़्यादा का बिजनेस। 150 करोड़ का बिजनेस मैं देख रहा था 3 दिन में, फर्स्ट 3 डेज या 2 डेज में 150 करोड़ प्लस का इसका बिजनेस था। बहरहाल अभी बात करते हैं मूवी के बारे में। इस मूवी को लेके जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये चल रही है टिकटॉक स्नेक वीडियो और इस तरह के यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बहुत सारे देखे गए हैं, जो मैंने खुद भी देखे हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा गया है इस वीडियो के अंदर। और एक डायलॉग इस पे सनी देओल ने जो है वो मारा है कि अगर पता नहीं पाकिस्तानियों को मौका मिले तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए और वो भारत में आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बात यह है कि मूवी, मैंने आप इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी जो है ना ये बात की थी कि बॉलीवुड के पास जो है ना आप कहानियों की हो गई है कमी, कि जिस जो वो लोगों को एंटरटेन करे, तो अब वो कंट्रोवर्सी की तरफ जाता है। और मज़े की बात पता है आजकल के दौर के अंदर कंट्रोवर्सी जो है ना एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा देती है। क्यों? वो हर इंसान के अंदर जो है ना एक बेचैनी सी पैदा कर देती है कि यार इसके अंदर क्या होगा। ये जो ट्रेलर बेसिकली मूवी का रिलीज़ किया जाता है वो ही फुल कंट्रोवर्सी से भरा हुआ होता है, और उसके वो ही लोगों को जो है वो बेताब कर देता है कि नहीं
देखना है साला इसके अंदर हैगा क्या है। तो बॉलीवुड जो है ना वो उसका अब काम खाली यही रह गया है कि हिंदुइज्म को कैसे टारगेट करना है, इस्लाम को कैसे टारगेट करना है, हिंदू मुस्लिम को कैसे वीडियो के अंदर दिखा के कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जा सकता है, या फिर दूसरे कंट्रीज़ को कैसे टारगेट, स्पेशली पाकिस्तान को कैसे टारगेट किया जा सकता है। तो अब मूवी देखेंगे असल में, तो क्योंकि अभी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर लेना है, या वो लोग जो इस वक्त टिकटॉक और इधर उधर चल रहा है उन चीज़ों को देख के उसके ऊपर यकीन फिल वक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बात वही होती है कि वो बड़ी अच्छी एक इंग्लिश में एग्जाम्पल है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो अभी हम ट्रेलर को देख के चंद उस कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को सुन के मूवी को जज नहीं कर सकते हैं, पहले मूवी को देखेंगे फिर देखेंगे कि उसके अंदर असल में दिखाने की क्या कोशिश की गई है, क्या पता कोई पॉजिटिविटी हो बीच में कुछ चीज़ों को। कल हमने एक वीडियो देखी इंडिया पाकिस्तान की, जबकि वो पाकिस्तानी थे दोनों बंदे और पाकिस्तान के बारे में ही बुराई कर रहे थे, लेकिन एट द एंड उनका मैसेज बिल्कुल पॉजिटिव था, वर्ड्स उनके वो नहीं थे जो होने चाहिए थे, लेकिन बात वो बड़ी डंके की चौड़ पर 100% राइट बात कर रहे थे। जो ट्रुथ है इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ उन्होंने बयान की है उसके अंदर। तो लेकिन फिर मैं यहाँ पे एंड में एक बात, अपनी बात ख़त्म करने से पहले यही बात करूँगा कि साउथ इंडियन मूवीज़ का मुकाबला जो है ना वो बॉलीवुड नहीं कर सकता। बॉलीवुड चाहे कुछ भी कर ले, साउथ इंडियन मूवीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोगों की राय आप कमेंट में रख सकते हैं, अबू इस बारे में क्या कहते हैं? बस इस बारे में शॉर्ट बात यही है कि सनी देओल ने क्या कह दिया कि आधे इधर आ जाए आधे उधर आ जाए, तो इसमें सनी देओल का तो कोई कहानी लिखने वाला कुछ इंतशार पसंद लग सकता है, लेकिन देखिए पहले बोलने वाला, देखिए एक चीज आप मुझे लिख के दे रहे हैं कि ये आपने बोलना है, अबू ठीक है मैंने बोलना है, ठीक है ऐसी बात है। अब मिसाल के तौर पे इससे पहले एक शाहरुख खान की मूवी थी पठान, ठीक है, उसके अंदर एक गाने के ऊपर बायकॉट हुआ, वो उसका रंग कुछ वो कलर के ऊपर वो कुछ वर्ड था मैं भूल गया, वो उसके ऊपर बायकॉट हुआ, ठीक है, राइटर ने वो लिख दिया गाना, ठीक है। अब उसके ऊपर एक्टर जो है उस वो उस मजहब से है भाई, वो जो लड़की थी उसका नाम पता नहीं क्या था, वो हिंदू है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि इस कलर की इंपॉर्टेंस मेरे मजहब के अंदर क्या है, उसको नहीं करना चाहिए था वो, या वो पहले राइटर को कहती भाई इस वर्ड को चेंज करो, चलो ठीक है अगर आप इस वर्ड को चेंज नहीं करते हो तो मैं जब जब ये वर्ड आएगा मैं कलर चेंज कर लूंगी अपने कॉस्ट्यूम का जो भी मैंने उस वक्त पहना हुआ होगा। तो बात यह है कि एक्टर को सब पता होता है, वो पैसा असल में अपनी एक्टिंग का बिला वजह नहीं ले रहे होते, उनको सारा एक एक बंदा जो अपनी पूरी जिंदगी इंडस्ट्री में गुजार चुका है उसको पता होता है कि मेरी कौन सी मूवी पे कब बायकॉट होता है कब नहीं होता है, किस तरह की मूवीज पे आवाम का क्या रिएक्शन होता है, उसके बावजूद वो मूवी करता है, तो दैट्स मींस वो इन्वॉल्व है उन चीजों में। अब आप ये बात करोगे तो मैं कहूंगा वो नाना पाटेकर ने मुस्तफा का रोल अदा किया था, वो कहता मैं क्यों करूं जी, मैं सजदे क्यों करूं, ये चीज निकाल दो। यहाँ बात वो नहीं है, मुस्तफा का रोल अदा किया उसने, लेकिन हाँ? उस मूवी को अगर आप पूरा देखो तो उसके अंदर एक हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को प्रमोट किया गया, कुछ भी किया गया को प्रमोट नहीं किया कुछ भी किया गया, मुसलमान बनाना नहीं, वो कहता मैं ये किरदार क्यों करूँ, ये तो मैं नहीं करूंगा। बात मुसलमान हिंदू बनने की नहीं हो रही है, से करवा ले। नहीं देखे बात मुसलमान हिंदू इस तरह, तो भाई जितने सलमान खान शाहरुख खान फलाने खान जितने आमिर खान सारे वहाँ पे हैं, वो जितनी मूवीज करते हैं उसमें मोस्टली मूवीज के अंदर उनका रोल किसी में सिख का है किसी का हिंदू। मैं तो बात कहानी पे चल रहे हो, मैं बात वो नहीं कर रहा वो हिंदू क्यों बन रहा है या मैं वो मुसलमान की एक्टिंग क्यों कर रहा है, मैं उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा। आपने बात की कि कसूर एक्टर का नहीं है, कसूर राइटर का है, मैं उस बात को लेके चल रहा हूँ कि अगर राइटर ने कोई चीज गलत लिखी है तो एक्टर जब उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो एक्टर का काम बनता है कि भाई ये तुमने क्या लिख के दिया है, ये तो मेरे लिए बाद में बवाल बनेगा। राइटर तक तो आवाम बाद में जाएगी, पहले तो आवाम पकड़ती है एक्टर को, मुझे पकड़ो राइटर को पकड़ो ना, तो कहने वाले को फिर या तो आवाम अकल से पैदल है भाई, आवाम अकल से पैदल पकड़ नहीं है, जो जड़ है जी उसको पकड़ रहे हैं, जो मुलाजिम है जो पैसे के लिए काम कर रहा है, अभी लोग सरकारी फोर्सों में है तो वो बोले मैं जी ये नहीं करूंगा ये तो जुल्म है, ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी उनकी होती है जो ऑर्डर देते, जिम्मेदारी उनकी होती है जो लिखते हैं कि आपने ये बोलना है,
बोलने वाले का तो वो प्रोफेशन, उसको उसका तो जरिया मुआश है, वो कहे ये जी काटें तो कल तो सारी दुनिया चीज़ें ही कटवाती रहेगी, उसने तो करना है उस काम को। अब अगर आवाम में शऊर है तो वो देखें कि गलत कौन है, बोलने वाला गलत है या लिखने वाला जिसने उसको। भाई चले अगर लिखे, हम चले आपकी बात रख लेते हैं कि बोलने वाला जो है, जो एक्टिंग कर रहा है वो मासूम है बेचारा, लिखने वाला ही गलत है। चलो मैं एक सेकंड के लिए इसी बात को मान लेता हूँ, लिखने वाला ही गलत है। तो मेरा सवाल फिर भी वहीं आगे खड़ा हो रहा है कि बॉलीवुड के पास अब कहानियों की कमी हो गई है और बॉलीवुड हर दूसरी मूवी के अंदर वही काम कर रहा है कि जिससे मजहबी लोगों को टारगेट किया जाए, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, और जब वहाँ से भी दिल नहीं भरता है तो फिर वो अपना निशाना कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ कि अब इनको कैसे टारगेट किया जाए। तो बात ये कि हम यहाँ बैठे, हमें फिर मूवी है देखो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हैं वो चार दिन उसका शोर शराबा करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर मूवी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्या फ़र्क पड़ता है, मूवी है भाई, ठीक है उसने मूवी के अंदर जो भी किया, लेकिन बात यह है कि बंदे की जो फीलिंग्स है ना वो हर्ट होती हैं। अब जैसे पठान मूवी के अंदर वो गाना आया, कितने कितने लोगों ने जो है उसका बायकॉट किया। वो बायकॉट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही थी। तो जब बंदे की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो भाई अपने कंट्री से किसको प्यार नहीं होता, हर किसी को प्यार होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मेरे मुंह में अगर मैं उन लोगों की बात करूँ कि जो टिकटॉक के ऊपर इसके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे हैं, या और दूसरे लोग जो इसके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बिफोर द टाइम है। अभी तक मैंने मूवी देखी नहीं है, एक्चुअल के अंदर उसके अंदर है क्या, मैंने स्टोरी को समझा नहीं है। मैं पहले स्टोरी देखूं, उसको समझूं, क्या पता कि जो डायलॉग जो है वो व्यूअरशिप गेन करने के लिए जो ट्रेलर को रिलीज किया गया मूवी के अंदर बिल्कुल ही उसके अपोजिट कोई चीज़ हो। तो मैं बिला वजह से बकवास करके यहाँ पे बैठ गया हूँ और बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़े, यार मैंने तो गलत बात कर दी टाइम से पहले। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, सही है ना। तो अभी जब मूवी देख लेंगे उसके बाद कोई वीडियो बना देंगे उसके ऊपर भी, अगर हमें लगा वाकई यार कि ये तो गलत किया है पाकिस्तान को डायरेक्टली टारगेट करके, और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बहरहाल बात यह है कि एक इदारा ऐसा भी होना चाहिए हर मुल्क में जो राइटर की तहरीर को पहले पढ़े, ओके करे, फिर उस पर आगे। लेकिन चले भाई वीडियो को मैं एंड करूंगा, एट द एंड फिर एक दफ़ा अपनी बात को रिपीट करूंगा, साउथ इंडियन मूवीज़ का मुकाबला बॉलीवुड नहीं कर सकता है। यहाँ सिर्फ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है, अदरवाइज साउथ इंडियन मूवीज़ जो है ना वो टॉप क्लास मूवीज़ हैं, नो डाउट इसके अंदर। बहरहाल तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।